हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमिस्तान। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ओट्स और डेट्स के न्यूट्रिशियस लड्डू। ये नो शुगर लड्डू हैं। आप चाहे तो इसको शुगर के साथ भी बना सकते हैं या बिना शुगर के भी बना सकते हैं। तो ये डायबिटिक फ्रेंडली भी हैं और बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 2 कप ओट्स। यहाँ पर मैं प्लेन ओट्स ले रही हूँ, आप कोई सी भी ब्रांड का प्लेन ओट्स ले सकते हैं। इसे हम 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पे हल्का सा भून लेंगे, इससे इसकी रॉनेस जो है वो चली जाएगी। तो ओट्स हमारे यहाँ पर भुन चुके हैं, इन्हें मैंने एक प्लेट पे निकाल दिया है और इस तरीके से फैला के रख दिया है इन्हें ठंडा करने के लिए। पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा बस गर्म होना चाहिए, लेकिन हल्का ठंडा हो जाए कि आप हाथ लगा सकें, वैसा हमें चाहिए। तो जब तक ओट्स ठंडे हो रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ हमारे और सीड्स वगैरह भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्लैक्स सीड्स 1 टेबलस्पून और पम्पकिन सीड्स 1 टेबलस्पून ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बच्चे के ब्रेन के ग्रोथ के लिए या फिर बड़ों के हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन फ्लैक्स सीड्स का थोड़ा सा किसला टेस्ट होता है, इसलिए फ्लैक्स सीड आप चाहे तो बच्चों को हो सकता है पसंद ना आए तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बस 1 से 2 मिनट तक ही हमें इन सीड्स को भूनना है, ज़्यादा ना भूने वरना ये कड़वे हो जाएंगे। और इसके बाद हम इन्हें सेम प्लेट में हमने निकाल दिया है। अब हमारे ओट्स को और सीड्स को हमने डाल दिया है मिक्सर ग्राइंडर जार में। तो ड्राई ग्राइंडिंग जार जिसमें आप मसाले वगैरह पीसते हैं उसमें आप डाल दें, मेक श्योर कि बहुत अच्छे से क्लीन एंड साफ़ जार हो। और यहाँ पर हम खजूर ले रहे हैं, तो 8 से 10 खजूर आपको ले लेनी है। बीज मैंने निकाल दिया, सॉफ्ट डेट्स जो होती हैं वो लेना है। और 1 टेबलस्पून मैंने काली वाली किशमिश ली है, ब्राउन किशमिश भी ले सकते हैं, कोई सी भी किशमिश। तो ये मिठास भी लाएंगे और ये हाई इन न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत ज़्यादा आयरन बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। ये लड्डू को बाइंड करने में भी हेल्प करेंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ जैगरी पाउडर, आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। और कोको पाउडर यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून, 1 to 1.5 टेबलस्पून कैडबरी का कोको पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है। और पीनट बटर यहाँ पर 1 to 2 टेबलस्पून आपको ले लेना है। ये होममेड पीनट बटर, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है अपने चैनल पे। तो पीनट बटर की जगह आप रोस्टेड पीनट्स भी ले सकते हैं, अच्छी तरीके से रोस्ट किए हुए। अब इन सभी को हम ग्राइंड करेंगे। तो पहले हम पल्स मोड पे चलाएंगे, ऑन ऑफ करके, ताकि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए, पाउडर कोर्स बन जाए। उसके बाद हम लगातार चलाते हुए पीसेंगे। तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कैसी कंसिस्टेंसी है हमारे इस मटेरियल की। तो अभी भी बहुत अच्छी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ा सा हम इसमें देसी घी डालेंगे। 1 टेबलस्पून तक देसी घी आप डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, बहुत हेल्दी होता है देसी घी भी। तो इसे भी हम एक बार फिर से चला देंगे अच्छे से। तो अभी हमारा मटेरियल बिल्कुल तैयार है, अच्छी सी इसकी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी हो चुकी है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, लड्डू हमारे बाइंड होने के लिए तैयार हैं। अब मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है, एक बाउल में, और इसे एक बार मैं अच्छे से हाथों से भी मिक्स कर देती हूँ, ताकि यू नो जस्ट इन केस अगर कहीं अनइवन मिक्सचर हो तो वो इवनली मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हाथों से रब करते हुए आपको एक बार मिक्स कर देना है। अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हाथों में आपको हथेलियों के बीच में इस तरीके से दबाते हुए लड्डू बनाना है। और आप चाहे तो हथेली पे देसी घी लगा लें, उसके बाद लड्डू बनाना शुरू करेंगे तो और भी ज़्यादा आसानी से लड्डू बनेंगे और उसमें एक ग्लॉसीनेस भी आएगा जो, और फ्लेवर भी इन्हांस होगा। तो वो एक टिप आप ज़रूर से ट्राई करें एक बार। तो लड्डू यहाँ पर हमारा बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और इस तरीके से हम बाकी के लड्डू भी तैयार कर देंगे। तो ये लड्डू बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ये रिच इन हाई डाइट्री फाइबर है, प्रोटीन, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स से रिच है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसमें। तो ओवरऑल बच्चों को डेली न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ये प्रोवाइड करता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। एंड विंटर सीजन में लड्डू इस तरीके के गर्म रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बच्चों को ठंड से बचाते हैं, इसलिए विंटर सीजन में आप ये झटपट लड्डू ज़रूर से ट्राई करें। सो 13 से 14 लड्डू आपके टोटल बन जाएंगे, जो क्वांटिटी हमने ली थी मटेरियल की उसमें।
तो दोस्तों आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये डायबिटिक फ्रेंडली भी है बिकॉज़ हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है और हाईली न्यूट्रिशियस है। बच्चों को अगर आप फ्लेवर के लिए इन्हांस करना चाहते हैं तो इसमें आलमंड भी रोस्ट करके आप पीसने के वक्त डाल सकते हैं, देसी घी और ज़्यादा डाल सकते हैं या गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेबीज एंड मॉमीज रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल मॉमिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।